इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, ग्रेनाइट स्टूडियो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिदम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। पीएम मोदी आज जाएंगे मुंबई, 7,470 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मुंबई में उद्धव ठाकरे से पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने किया मुलाकात। एनडीए सरकार पर साधा निशाना, कहा ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी एनडीए सरकार। महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव में एनडीए का बजा डंका। एनडीए के सभी 9 उम्मीदवार जीते तो वहीं एमबीए के 2 उम्मीदवारों को मिली जीत। कांग्रेस के 6 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में वोटों की गिनती होगी आज। एक दूजे के हुए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। भंगड़ा पाले पर थिरके शाहरुख खान और सलमान। लालू यादव पहुंचे मुंबई, अनंत राधिका की शादी में हुए शामिल। तेजस्वी सहित पूरा परिवार भी हुआ शामिल। पर्यावरण बचाने के नाम पर मनमाने व्यापार प्रतिबंधों को सही ना ठहराएं, ब्रिक्स के संसदीय मंच से बोले ओम बिरला। यूक्रेन में शांति लाने में भारत की अहम भूमिका। पीएम मोदी के रूस दौरे के बाद अमेरिकी अधिकारियों का बड़ा बयान। सुदर्शन पटनायक ने रूस में रचा इतिहास, जीता गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टेनिस का लुफ्त उठाते नजर आए रोहित शर्मा। सूट बूट पहने भारतीय कप्तान ने फोटोज में मचाया तहलका। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी। इस तरह आरकेडीएफ विश्वविद्यालय राज्य और देश के आधुनिक और उच्च विश्वविद्यालयों में से एक है। RKDF University, a world-class university. Education glorifies nation. The ministry offices in Luton's Delhi, Hotel Janapath, as well as airport terminals. Granite Studio India, with its prestigious brands, rich experience, and the trust of our clients, can be your reliable partner. We are here for you, for innovating, processing, supplying, and executing in stone. Contact us today for our special sample kit. नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। विश्वास मत की प्रचंड परीक्षा में मिली हार। नए पीएम पर मंथन जारी। भारतवंशी नेता और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा उसमें देश का नेतृत्व करने की काबिलियत। ब्रिटेन के गुरुद्वारे में किशोर ने किया ब्लेड से हमला, हुआ गिरफ्तार, 2 महिलाएं हुई घायल। 7 अक्टूबर को हुए इसराइल पर हमले को लेकर पहली जांच रिपोर्ट आ गई है। अपनी इस रिपोर्ट में इसराइल ने माना है कि हमला इजरायली सेना की विफलताओं के चलते हुआ, जिसके कारण इसराइल के 100 से ज्यादा नागरिक की हत्या हुई और हमास ने 31 लोगों को बंधक बना लिया। यूएस के मोन्टाना के नेशनल पार्क की झील में भारतीय युवक डूबा, दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने गया था, शव की तलाश जारी। करनी सेना के जयपुर दफ्तर में आपसी विवाद के चलते चली गोली, मौके पर पुलिस मौजूद। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव। भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद बाढ़ में घिरे यूपी के 800 गांव, 5 लोगों की मौत, हजारों का पलायन। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मुख्य आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराट विदेश में है, वहीं उसका विरोधी गैंग पंजाब में गोल्डी बराट के रिश्तेदारों को मारने की प्लानिंग कर रहा है। गोल्डी बराट के जीजा को मारने की योजना बनाते हुए अमृतसर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। तो ये थे आज सुबह के कुछ मुख्य समाचार। खबरों में अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रिदम ऐप को डाउनलोड करें।